में मेरा कोई दोस्त नहीं है प्रभु, लैपटॉप हैंग हो रहा है। कितनी दफा कहा है कंपनी का ले लो एक बार। कोई विपदा आई है क्या इसमें? बहुत बड़ी प्रभु, मेनका, रमधा, उर्वशी रोज मजाक बनाती हैं। अच्छा, कहाँ है ये मेनका उर्वा रामभासी? प्रभु उर्वा रामभासी नहीं, रंभा उर्वशी है वो। अरे रामभासी को छोड़ो, ये बताओ प्राण किसके हरने हैं? प्रभु एक चोर है जो आंखों के सामने से चोरी कर लेता है और किसी को पता भी नहीं चलता। अद्भुत, अति सुंदर। जी प्रभु, ये चोर इतना शातिर है कि पुलिस वालों की भी जेब काट लेता है। उत्तम, अति उत्तम। और बताओ कुछ इसके बारे में। प्रभु ये अमीर लोगों के घर में गाड़ी साफ करने के बहाने घुसता है और तिजोरी साफ करके निकल जाता है। उत्तम उत्तम अति उत्तम। ऐसे मानव के प्राण हरने हम स्वयं भूलोक जाएंगे। तो प्रस्थान करें प्रभु? तुरंत। प्रभु मेनका को भी साथ ले लें, तनिक मन बटा रहेगा। चलिए प्रभु। ये कौन सा शहर है चित्रगुप्त? प्रभु ये वही शहर है जहाँ सुबह शाम और दोपहर उसी चोर का मचा रहता है कहर। ये तुकबंदी मिलाना बंद कर, नाम बता। वही तो बताने जा रहा हूँ प्रभु, ये है बुलंद शहर। ये नव युवक कौन है चित्रगुप्त? हे प्रभु धर्मराज, दंड नायक महाविनाशक यम, ये वही है जिसके प्राण लेने आए हैं हम। चलो इसके समीप चलो। तुम कौन हो बे? हे दुष्ट मानव, तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं इसी क्षण तुझे भस्म कर सकता हूँ। चित्रगुप्त तुम बताओ इसे कि हम कौन हैं? अरे अजीब आदमी हो, तुम्हें खुद को नहीं पता कि तुम कौन हो? मानव शांत हो जाइए प्रभु, मैं बात करता हूँ। तो तुम कौन से स्पेशल में बात करोगे? अरे मूर्ख मानव, ये धर्मराज, दंड नायक, कल्याणकर्ता, प्राणदाता प्रभु श्री यमराज हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम चार पांच आदमियों के नाम एक साथ ले लोगे और मैं डर जाऊंगा? मानव कुछ ही देर में इस बस्ती में तेरी मौत का हड़कंप मचने वाला है। अरे आग लगे ऐसी बस्ती में, मैं रहूंगा अपनी मस्ती में। हे महोदय, आप बहुत जल्द ही मरने वाले हैं क्योंकि ये यम तेरे प्राण हरने वाले हैं। अरे मर गया, ये लोग सच में यमराज चित्रगुप्त है क्या? हे प्रभु, आपको किसके प्राण हरने हैं? तेरे मानव। एक बार फिर से चेक कर लो, कहीं जल्दबाजी में अनर्थ मत कर बैठना। कैसा अनर्थ? क्या कहना चाहते हो तुम? जी वो एक मेरा जुड़वा भाई है जो एक चोर है, कहीं उसके प्राण तो नहीं लेने तुम्हें? हाँ, प्राण तो हमें एक चोर के ही लेने हैं। प्रभु भूलोक में जुड़वा होते हैं, यहाँ ऐसे लाखों जुड़वा हैं जिनके शरीर तो अलग हैं पर शक्ल एक ही होती है। गलती आपकी नहीं है प्रभु, मेरे साथ ऐसा ही होता है। लड़की वो छेड़ता है, मार मुझे पड़ती है, चोरी वो करता है, पुलिस मुझे ले जाती है। अच्छा, दुख हुआ जान के। और तो और, मेरी माँ सर्दी के दिनों में मुझे ही दो बार नहला देती थी। शकल के धोखे में मेरी माँ खाना भी उसे ही दो बार खिला देती थी, मैं भूखा ही रह जाता था। देखा आपने प्रभु, कितना कष्ट झेल रहा है ये मानव। और हद तो आज हो गई जब उसके बदले मेरे प्राण लेने की नौबत आ गई। नहीं मानव, अच्छा हुआ तुमने समय रहते सब बता दिया, वरना हमारे हाथों घोर अनर्थ हो जाता। तुम जा सकते हो, उसे हम ढूंढ लेंगे। कहीं आप भी दोबारा मुझे ही मत पकड़ लेना। नहीं, हमारे प्रभु के पास दिव्य दृष्टि है, निश्चित होकर जाओ। चित्रगुप्त लैपटॉप में उसके जुड़वा भाई को देखो। संभव, अनर्थ हो गया प्रभु। क्या हुआ? वो लड़का हमको मूर्ख बना गया, उसका तो कोई जुड़वा भाई है ही नहीं। कुछ तो शर्म करो चित्रगुप्त, एक तुच्छ सा मानव तुमको मूर्ख बना गया। और आपका भी, आप तो खुद यम हो, आपके पास दिव्य दृष्टि भी है। तो तुम्हारे पास भी तो लैपटॉप है, अभी देखा, पहले ही देख लेते। अभी उसकी मृत्यु का योग नहीं निकला है, जल्दी दबोच लेते हैं। हमसे चतुराई, ये ले तो।
चित्रगुप्त, पहले इसका लेखा जोखा निकालो। इसे दंड देने की प्रबल इच्छा है हमारी। घोर अनर्थ प्रभु, घोर अनर्थ। क्या हुआ चित्रगुप्त, क्या हुआ, कुछ बताओ, खाली डराओ मत। प्रभु, लैपटॉप हैंग होने के कारण गड़बड़ हो गई। इस मनुष्य के प्राण नहीं हरने थे। क्यों नहीं हरने थे? क्योंकि ब्रह्मदेव ने इस मानव को किसी विशेष काम के लिए उत्पन्न किया था। यदि ब्रह्मदेव का कार्य अधूरा रह गया तो हमें उचित दंड मिलेगा। हम ब्रह्मदेव को इस बात का पता नहीं चलने देंगे और इसे अभी पृथ्वी पर भेज देंगे। तो हम बता देंगे। तुम तो ब्रह्मदेव तक पहुँच ही नहीं सकते मृत मानव। तो नारद मुनि तो यहाँ जरूर आते होंगे, उनसे बता दूंगा। आगे वो खुद ही। इसका भरोसा नहीं है प्रभु। हाँ, ये बता सकता है, बहुत चतुर है ये। देखा नहीं भूलोक में कैसे जुड़वा भाई का स्वांग रचाकर हमें भरम में डाल दिया था। मैं तो बताऊंगा, तुम्हारा सिंहासन हिला दूंगा, कुर्सी छिनवा दूंगा मैं। प्रभु, नारद मुनि का आने का समय हो गया है, इससे पहले कोई अनर्थ करे इसे वापस भेजो। तुम भी चलना मेरे साथ। क्यों चिठोली करते हो अति चातुर मानव, मेरा वहाँ क्या काम? अब नहीं आओगे तो कुछ देर बाद आओगे, पर आओगे जरूर। बड़े विश्वास के साथ बोल रहे हो प्रभु, दफा करो इसे यहाँ से, हमें पृथ्वी लोक ले जाएगा। अरे ये क्या अनर्थ हो गया प्रभु। फिर अनर्थ अब क्या हुआ? वो चोर अपने हाथ की सफाई यहाँ यमलोक में भी दिखा गया। क्या हुआ, तुम्हारे हीरो की माला मार ली क्या उसने? नहीं नहीं, उसने तो यमलोक ही हिला दिया एक ही झटके में। मेरे सिंहासन का नट बोल्ट निकाल कर ले गया क्या? नहीं नहीं, वो लैपटॉप का पेन ड्राइव निकाल कर ले गया, मुझे तो पता भी नहीं चला। उसके अंदर चार युगों का लेखा जोखा है, उसका मिलना जरूरी है। चित्रगुप्त, अब तो तुम्हें सच में जाना ही पड़ेगा पृथ्वी लोक, उसके साथ ही निकल लेते। मैं आ रहा हूँ मानव। ये दारू बड़ी कुत्ती चीज है, दारू पी के तो मेरा बाप ही मर गया। हे ऊपर वाले, ऊपर से नोटों का बैग ही गिर दे, सोने चांदी का गट्ठर ही गिर दे, कुछ तो गिर। अबे तेरी मर गया, बड़ी जल्दी गिर दिया, इसका मतलब मेरी आवाज ऊपर तक पहुंच रही है। अरे अरे ये क्या दुनिया मजाक बनाती है मेरा तो। ऊपर वाले, तूने भी अच्छा मजाक किया। हे मानव, ये धरती लोक ही है ना? नहीं, वो मेरी भैंस है, 3 महीने से ग्यावन भी है। अरे ये जहाँ हम खड़े हैं, इसका किसी तरह चोटियाँ बना के इसके सोने के आभूषण ऐंच लेता हूँ। अरे मानव जल्दी बताओ, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो वो भी पूरी कर दूंगा। हाँ बता दूंगा, पर एक बोतल देनी पड़ेगी आरएस की। ये तो असंभव है, कुछ और मांगो। अरे ये धरती लोक ही है, मैं डबल का हाफ ही दे दो। हाँ हाँ, बहुत चतुर हो, दे दूंगा, पर एक चोर को खोजने में मेरी सहायता करनी होगी। मैं तुझे उससे भी बड़ा ब्रांड पिलाऊंगा जो किसी ने पिया भी नहीं होगा धरती पर। अरे वाह, पक्का? हाँ हाँ जरूर, मेरे मुंह से झूठ कभी कभी ही निकलता है। उस चोर ने क्या किया है? उसके पास एक पेन ड्राइव है, वो मुझे लेना है। अबे अद्भुत भेषधारी आदमी, पेन ड्राइव भी चाहिए तो पहले बोलता ना, गोल गोल क्यों घुमा रहा है? अरे तुझको पता है, बताओ फिर जल्दी बताओ। अरे यार तुम मैकडोनल्ड का हाफ मंगाओ, पेन ड्राइव मिल गई समझो। नहीं पहले बता, वरना बहुत भयानक विपदा आ जाएगी। अबे नौटंकी मास्टर, मेरे यार की दुकान है नुक्कड़ पर, वो बेचता है, तुमको वहीं सस्ते में दिला दूंगा। अबे नहीं, मुझे अपना पेन ड्राइव चाहिए, उसमें चार युगों का डेटा है, एक युवक उसे यमलोक से चोरी करके भागा है। मेरी समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा, लगता है नौटंकी करते करते अपने आप को देवता समझ रहा है। हमें पहले ही पता था ये जरूर आएगा। उस युवक को खोजना परम आवश्यक है, यमराज जी ने मुझे 2 दिन का समय दिया है। ये 2 दिन तो मैं निकाल ही दूंगा, मैं भी क्या चूतिया हूँ, कल से साड़ी पहन कर घूमता हूँ। अरे मिनटों में ढूंढ दूंगा, मिनटों में, पर थोड़ी बुला दो, या सारी बात फिर मैं बता दो। अबे पहले बता तो सही, सारी बात उल्टी बताता है, पी कर खुद भी उल्टा हो जाएगा, पहले बता फिर पिलाऊंगा। खाने चल चल भाई, तय खाने ले चल, या मैं खाने ले चल, या पैखाने ले चल चल।
अब तेरे कान है कि सुरंग, मैं बोल रहा हूँ तू थाने चल मेरे साथ, और तू जबरदस्ती बखाने जाने को तैयार है। अच्छा अच्छा, वहाँ क्या होगा? वहाँ मुजरा करेंगे, डांस मारेंगे लहंगा उठा के। थाना वो है क्या जहाँ लुगाई घाघरा बांध कर नाचती है? इसने मेरा दिमाग खिला दिया। अब थाने में रिपोर्ट करेंगे, पुलिस 3 घंटे में चोर को खोज देगी। अच्छा तो मानो मुझे शीघ्र वहाँ ले चलो। हाँ भाई, काम बोलो जी। चोरी की रफत लिखवाने हैं। नाम बोलो भाई जी। चित्रगुप्त। अबे असली नाम बोल, वरना हवालात में बंद करके ऐसी पिलाई करूंगा ये एक्टिंग का भूत उतर जाएगा सारा। सर ये अपने कैरेक्टर के अंदर इतना घुस गया है कि बाहर आने में दिक्कत हो रही है। अरे तो भाई दो पड़ते ही बाहर आ जाएगा, किस चीज की रपट लिखवानी है? एक चोर पेन ड्राइव ले गया। अबे क्या टेढ़ी खोपड़ी का आदमी है, जाके दूसरा ले ले भाई। नहीं मुझे वही चाहिए, उसमें 4 युगों का डेटा है, पाप पुण्य का लेखा जोखा है उसके अंदर। मेरा दिमाग घूम गया भाई, किरदार में घुस के बोल रहा है कतई, कहाँ से लेके आए से? मुझे तो भैंस के ऊपर मिला था। अबे कतेरी बेटन निगाह है, इतना चटकाऊंगा हॉस्पिटल में डॉक्टर भी गंभीर हो जाएगा। अरे मैं तो दारू के चक्कर में आ गया। मुझे तो ये कोई क्रिमिनल लग रहा है भाई। नहीं ये शरीफ आदमी है, मैं छाती ठोक कर कहता हूँ। हाँ ठोक ले छाती, शरीफ ना निकला तो बाद में तुझे ठोकूंगा। हाँ मंजूर है, पूछताछ करो। साहब किसको कब और कहाँ मारना है इसकी सारी जानकारी रखता हूँ। अबे क्या बकवास कर रहा है तू? बस सुन लिया ना, जासूस है ये किसी आतंकवादी गैंग का। अच्छा आतंकवादी है, मुझे तो लगा सत्यवादी है। तेरी सास की सत्यवादी इधर। इसको क्यों प्रताड़ित कर रहे हो मानव? रुक जा, अभी तेरा भी नंबर आएगा, डॉक्टर भी तेरा इलाज करने से घबरा जाएगा हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में इलाज होता है? नहीं तेरे जैसों का थानों में भी हो जाता है, हम करते हैं डंडे से। इलाज यहाँ होता है तो रिपोर्ट कहाँ लिखवाएंगे, हॉस्पिटल में? अब हॉस्पिटल में इलाज होता है भाई। अभी तो आपने बोला थाने में भी होता है। हाँ वो तेरे जैसों का होता है, हम पुलिस वाले करते हैं। तो रिपोर्ट कौन लिखता है, डॉक्टर? क्या है तू, रिपोर्ट हम लिखते हैं। अभी तो आपने बोला आप इलाज करते हो। अरे भाई तेरे जैसों को लॉकअप में डालकर उल्टा टांग कर डंडे से इलाज करते हैं हम। तो चोर कौन पकड़ेगा डॉक्टर? अबे हम पकड़ेंगे भाई। पर तुम तो इलाज करते हो। अबे कहाँ से लाया बे, लेके भाग इसे यहाँ से। चल बे, तूने तो मेरे पिछवाड़े भी तोड़ दी। अरे रुको, हमें जाना कहाँ है? भाई तेरे दिमाग को इलाज की जरूरत है, तू हॉस्पिटल जा रिपोर्ट लिखवाने। अरे भाई ले जा इसे यहाँ से, वरना खुद को गोली मार लूंगा मैं, उड़ा दूंगा अपने आप को। यार तूने पिलाई तो है नहीं, और मेरे पिछवाड़े की और असिस्टेंसी करती। हमको तो धरती लोग का सिस्टम ही समझ नहीं आता, कहाँ इलाज होता है कहाँ रिपोर्ट होती है। ये सुनो तुमको कहीं देखा है? अबे तू फिर पिटवाएगा, लुगाई मत, पता नहीं किसकी औरत है कहाँ जा रही है। ए मुंह क्यों छुपा रहा है, आंखों में आंखें डालकर बात कर। आंखों में आंखें डलवा रहा है बदतमीज, अभी तेरे हाथों में हथकड़ी डलवाती हूँ। अरे भाभी की छोड़ो, दिमाग से खिसका हुआ ये थोड़ा सा। ये मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहा है खुलेआम, अभी पुलिस बुलाती हूँ। अरे नहीं 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 रुको रुको। अबे तू, तेरे तो पहले सदमे से ही बाहर नहीं निकला मैं अभी। मुझे अकेली समझकर मुझे भागन पर गंदी निगाहें डाल रही दोनों लपाड़ी। अच्छा भाई औरत की इज्जत पे हाथ डालने वालों को नहीं छोड़ता मैं। चलो भाई मुर्गा बन जाओ दोनों। अभी केस लंबा पड़ रहा है, किसी MLA मंत्री को जानते हैं तो बुला ले। बुलाता हूँ, उनको बुलाऊंगा जिनके एक फूंक से पृथ्वी लोक के सारे मंत्री विधायक उड़ जाएंगे। अच्छा तो तू भस्मासुर को बुलाएगा क्या? अबे किसी को जमानत के लिए बुलवा ले। अबे मुर्गा बनो दोनों, नहीं तो डंडा घुमाता हूँ मैं अभी। हे प्रभु यमराज बचाओ मुझे। अबे पागल है क्या, यमराज को बुला रहा है? भाई यमराज तो खुद ही आ जाएंगे, मेरी मार है इतनी भयानक। यम प्रभु बचाओ यमराज। अरे 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 अरे, अरे भाई ये क्या हो गया, क्या जादू मंत्र मार रहे हो भाई? ये सचमुच यमराज चित्रगुप्त है या मेरी नजरें मुझे धोखा दे रही हैं? प्रभु ये नारी मुझ पर संगीन अपराध लगा रही है। तुम्हारी मटी मारी गई है चित्रगुप्त, ये नारी नहीं वही चोर युवक है।
इससे अपना डेटा लो और चलो, तुम्हें दिया हुआ समय समाप्त हो गया। लीजिए सर, आपका डेटा इसमें है, मुझे छोड़ दो आप। तेरी मृत्यु अभी नहीं है मूर्ख, चलो चित्रगुप्त। अरे यार वो एक आपके लिए पैसा तो दे दो। पियो मानव जी, भर के पियो, स्पेशल ब्रांड है यो। अबे यो कौन सा ब्रांड है, इतना बेकार। अबे तेरे को स्पेशल ब्रांड बोलकर कीड़े मारने की दवाई दे गया वो। इतना बड़ा धोखा दारू के मामले में। मैं अपना गुस्सा किस पर उतारूं, बहुत मारा था तूने थाने में मुझे।